कंट्रोल पैनल में चीजें वही रहती हैं, एम्पियर मीटर होगा, तो थोड़ा सा एम्पियर मीटर की आपको पहचान करनी है कि मीटर आप जो काम में ले रहे हैं तो एसी का है या डीसी का है। जो एम्पियर मीटर होगा, एसी का जो एम्पियर मीटर होगा उसमें ये ए करके ये चिन्ह इस टाइप का होगा, ये एसी का, तो ये एम्पियर मीटर होगा आपका एसी डीसी, एसी के लिए। तो एम्पियर मीटर को आपको पहचान करनी है, और पैनल बोर्ड के वो जो आप लगाने जा रहे हैं वो एसी का होना चाहिए, क्योंकि आप एसी का पैनल बना रहे हैं। ये वोल्टमीटर, फिर आपको ये चिन्ह आपको देखना है एसी डीसी, ठीक है ना। तो आप जो पैनल की वायरिंग करने जा रहे हैं उसमें मीटर कौन सा काम में लेते, वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर। और इसमें भी जो रेंज है, एक चीज और भी है इसमें, मैंने रेंज नहीं लिखी है, रेंज आपको लिखनी है वो उसकी कैपेसिटी के आधार पर। अगर मान लो 5 हॉर्स पावर की मोटर है, 5 HP की मोटर है, ठीक है, आप 5 HP की मोटर है, तो 5 HP की जो मोटर है उसकी करंट, लोड करंट होती है उसका 1.5 गुना अनुमानित, तो 7.5 हॉर्स पावर उसकी रनिंग करंट रहेगी। तो स्टार्टिंग में मोटर उसका 3 गुना करंट लेती है, कोई भी मोटर स्टार्टिंग में 3 गुना करंट लेती है। तो आपको ये एम्पियर मीटर कितने एम्पियर का लेना चाहिए, 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर तो लगभग उसका लोड करंट होगी, फुल लोड के ऊपर करंट उसकी 7.5 एम्पियर हो गई, उसका 3 गुना स्टार्टिंग में लेगा, एक जर्क आएगा, वो जैसे आप स्टार्ट करते हैं जर्क आएगा, जब रोटर आपका रनिंग में आ जाए उसके बाद फिर वो डाउन हो जाता है, तो वो होता है आपका 3 गुना, तो 7 21 हो गया, लगभग 20 एम्पियर हो गया। तो आपको 0 से 30 एम्पियर करीब, 0 से 25 का ले लो आप, 0 से 25 एम्पियर का एम्पियर मीटर ले लिया आपने। ये अब 0 से 25 का लिया है कि 10 का लिया है या 5 का लेना, ये डिपेंड किस पे करता है, मोटर पे। अगर मान लो आपके पास में 15 हॉर्स पावर की मोटर हो गई आपकी और बोला कि ये 25 एम्पियर का लिख, तो काम का नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। ये रेंज जो सेलेक्ट करनी है वो आपको एम्पियर मीटर की जो रेंज है वो मोटर के हॉर्स पावर के अनुसार आपको लेनी है। वोल्टमीटर 3 फेज का है इसलिए 0 से 500 का है ना, 0 से 500 वोल्ट, और वो भी ये इंडिकेशन वाला, इसका इंडिकेशन जैसे वोल्टमीटर एम्पियर मीटर के ऊपर इंडिकेशन देख लेना, ये तो इस टाइप से इंडिकेशन होगा, उस पर एम्पियर है तो उसके नीचे ऐसा इंडिकेशन होगा। और इसके साथ साथ अगर ये भी इंडिकेशन आपको नजर नहीं आता है तो दूसरा एक और भी इंडिकेशन होता है जो एसी डीसी होता है, तो उसमें इस प्रकार से करके और एक लाइन होती है ऐसे, ये एसी डीसी का है, ये इंडिकेशन है इसका मीटर का, ऐसे जिग जग लाइन करके ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो इंडिकेशन होते हैं ये वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर के लिए, तो दोनों में ये देख लेना कि आपकी जो रेंज है, एक तो रेंज और ये एसी डीसी का मीटर, ये होना चाहिए, ये मीटर के डायल के ऊपर बना रहता है। अब मेन स्विच 3 फेज का है तो आपके ये इस टाइप से रहेगा, ये ICTP ट्रिपल पोल TP, ठीक है, ये TP मेन स्विच हो गया। अब स्टार्टर, स्टार्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा स्टार्टर है। अब स्टार्टर के सिंबल भी अलग अलग हैं, आप स्टार्टर, अब मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कितने हॉर्स पावर की मोटर ली है, तो वो स्टार्टर जो है आप या तो ऑप्शन ये है कि DOL लो, ठीक है, या तो DOL लो या स्टार डेल्टा लो या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, इन तीनों में से आपको एक लेना है। और स्लिप रिंग है तो रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, मतलब 4 वेराइटी हो गई। अगर स्लिप रिंग का है तो रेजिस्टेंस टाइप, ये केवल स्लिप रिंग के लिए है। अब कौन सी मोटर है, मोटर के ऊपर आपको इनमें से एक का सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक स्टार्टर आपको लेना है। अब ये निर्भर करता है आपकी मोटर कौन सी है, सिस्टम सबका वही है, सबसे पहले सप्लाई आती है वो मेन स्विच में जाती है। अब अपन इसका वायरिंग डायग्राम एक बनाते हैं, पैनल बोर्ड की वायरिंग डायग्राम। सबसे पहले जो 3 फेज सप्लाई आएगी, जैसे मान लो ये यहां से आई RYB,
सबसे पहले सप्लाई मेन स्विच में जाती है। ये पैनल बोर्ड का सिस्टम है कि हर पैनल बोर्ड के ऊपर एक मेन स्विच होता है। पैनल बोर्ड के ऊपर एक मेन स्विच होगा, सबसे पहले सप्लाई मेन स्विच में जाएगी। मेन स्विच से जो आउटपुट निकलेगा वो, एक तो अपने पास में तीन इंडिकेटर लगे हुए हैं, आर वाई बी, तीनों इंडिकेटर का एक 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 तार इस मेन स्विच के आउटपुट से जोड़ना है। और इसमें जो इंडिकेटर का एक एक सिरा जो बच गया, इसको अपन स्टार में कनेक्ट करते हैं। और स्टार में कनेक्ट करके आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यूट्रल दे देते हैं। वैसे मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है, थ्री फेज पैनल बोर्ड में न्यूट्रल नहीं है तो चल जाएगा, मोटर चालू हो जाएगी, लेकिन इंडिकेटर को चालू करने के लिए आपको न्यूट्रल चाहिए। एक बार न्यूट्रल नहीं भी लगे तो भी अगर समान वाट के इंडिकेटर हैं तो चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया ना, एक इंडिकेटर खराब हो गया या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई तो तीनों बंद हो जाएंगे। इसलिए इसमें न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल इसका जोड़ के रखो, वो स्टार करके तीनों इंडिकेटर का एक एक पॉइंट स्टार में बना के और न्यूट्रल इसके साथ जोड़ना है। अब न्यूट्रल कहाँ मिलता है आपको, जो मेन स्विच के पास में एक न्यूट्रल लिंक होता है, तो मेन स्विच को थोड़ा गौर से देखना, तीन तो डंडियाँ होंगी उसमें, ये तीन तो टर्मिनल होंगे और एक टर्मिनल जो होता है वो सीधा जुड़ा रहता है वो न्यूट्रल के लिए। और न्यूट्रल का उपयोग हमारा ये पैनल बोर्ड में सिर्फ इंडिकेटर के लिए ही होता है, ठीक है। बाकी जो है मोटर को चलाने के लिए तीन फेज ही चाहिए। इंडिकेटर लग गया, अब बारी बारी से तीनों में एक 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 एम्पियर मीटर लगेगा। तो पहला फेज यहां से निकला, आर फेज, ठीक है, आर फेज निकला है और एक एम्पियर मीटर अपना यहां लगा दो, एम्पियर मीटर और उसके साथ ये चिन्ह एसीडीसी का, ये हो गया, ठीक है, ये आर फेज आपका आगे निकल गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो फेज है, दूसरा फेज निकला है, इसके साथ भी एक एम्पियर मीटर सीरीज में लगा दिया, ये आपका। और तीसरा फेज, तीसरा फेज आपका ये निकला है, तो इसके साथ भी एक एक एम्पियर मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर, अब हमारे पास में वोल्ट मीटर लगाए तो लगाए कहां पर, इन दोनों के बीच में लगाएं और इन दोनों के बीच में नहीं लगाएं, या तो दो वोल्ट मीटर लगाएं, एक इन दोनों के बीच में भी लगा देने, एक इन दोनों के बीच में भी लगाया जाए। आर और वाई दो फेज तो देने हैं वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को चाहिए दो फेज। अब दो फेज या तो हम यहां पर देते हैं ये वोल्ट मीटर को, ये यहां और यहां पर, तो हमारा ये वाई और बी के बीच में ही आपके वोल्टेज दिखाएगा, आर फेज के बीच में तो दिखाएगा नहीं, है ना। तो इसके लिए एक सेलेक्टर स्विच भी आता है, एक स्विच आता है जो एक बार ये कॉन्टेक्ट करेंगे एक बार ये कॉन्टेक्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कैसे वो देख लेते हैं। वोल्ट मीटर हमारा एक ही होता है जो दो फेजों के बीच में जुड़ता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमारे दो फेजों के बीच में जोड़ दिया। अब ये तीनों फेज हमारे आते हैं और सीधे जाएंगे आपके स्टार्टर में। अब स्टार्टर कौन सा वाला काम में लेते हैं वो डिपेंड करता है आपके मोटर के ऊपर। अब ये सीधा मैं यहां पर सिर्फ स्टार्टर यूं लिख देता हूं, क्योंकि स्टार्टर का डिटेल आपको देखना है। आप लोगों ने ड्यूल स्टार्टर देखा है, वायरिंग आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ड्यूल स्टार्टर आपको दे दिया जाए, सारा खोल दिया जाए, तो आप कैसे जोड़ पाएंगे, इसमें अगर फॉल्ट आ गया तो क्या करेंगे। मोटर चालू करते समय आपको मोटर चालू ही नहीं हुई, ड्यूल स्टार्टर का पहले एक बार स्टडी करनी है, ड्यूल स्टार्टर का अध्ययन करना है, उसके बाद अभी ड्यूल ले लो या स्टार डेल्टा ले लो। अब ये मैं सीधा यहाँ पर जो लिख देता हूँ, सीधा आपका गया ये टू स्टार्टर। अब वो स्टार्टर को गया, है ना। अब वो स्टार्टर अब आप पे डिपेंड करता है कि ड्यूल लोगे तो ये तीन तार आएंगे,
ड्यूल स्टार्टर लग गया, फिर तीन तार बाहर निकलेंगे। अगर इसकी जगह आप स्टार्टर स्टार डेल्टा लगा रहे हैं तो लाइन तो तीन तार की हो गई, स्टार डेल्टा है तो छह तार आएंगे, वो मोटर में छह जाएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप तीन इनकमिंग है और छह आउट गोइंग हो जाएंगे स्टार डेल्टा करेंगे तो। ड्यूल करेंगे तो तीन आ रहे हैं तीन जा रहे हैं, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी तीन आ रहे हैं तीन जाएंगे। तो ये स्टार्टर, और स्टार्टर से होने के बाद, क्योंकि मैं अभी ये रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टर का अभी अपने को फाइनल नहीं है कि स्टार्टर कौन सा लगाना है, एक बार सब स्टार्टर का डिटेल स्टडी करेंगे, अलग अलग स्टार्टर की अपन स्टडी करेंगे, DOL, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके बाद फिर आगे, क्योंकि इसका इंटरनली अध्ययन भी आपको करना बाकी है। यहाँ से फिर स्टार्टर से निकलने के बाद अगर ये DOL है तो तीन तार निकलेंगे, ठीक है, ये टू मोटर, ये आपका ये मोटर को जाएंगे ये। अगर DOL या ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ये तीन तार से मोटर को जोड़ेंगे, और अगर मान लो आपके स्टार डेल्टा है तो ये मोटर से स्टार्टर वाले तार कितने हो जाएंगे, छः, है ना, ये छः जुड़ेंगे तो आपका वो ये स्टार डेल्टा हो जाएगा। स्टार डेल्टा ये तो तीन फेस तो सप्लाई के तीन ही रहेंगे, मोटर वाले सिरे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपन ये अलग अलग प्रकार के स्टार्टर हैं, तभी अपन देखें कि एक बार DOL स्टार्टर कनेक्शन आते हैं आपको DOL के, DOL स्टार्टर का। अब अपन इसका DOL के बारे में आगे अध्ययन करते हैं कि DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम और उसे कनेक्शन कैसे करने थे।